फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडिंग गियर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडिंग गियर की अगर मैं बात करता हूँ तो लैंडिंग गियर आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज फिक्स्ड एंड रिट्रैक्टेबल। सी, फिक्स्ड और रिट्रैक्टेबल। सी, पहला, जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है ग्राउंड पे तो एक हाई इम्पैक्ट की वजह से उसमें स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं। अब फिक्स्ड हो या रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर हो, एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर के अंदर ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि जो जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं उसको एलिमिनेट करने में फुल सपोर्ट करें। क्योंकि फिक्स्ड लैंडिंग गियर हमारा एयर फ्रेम स्ट्रक्चर से अटैच रहता है वाया बोल्ट, इसमें टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो मूव अप एंड डाउन कर पाए। अगर अप और डाउन मूवमेंट उसमें रहता है तो एटलीस्ट वो स्ट्रेस को एलिमिनेट करेगा। लेकिन डिसएडवांटेज अगर मैं फिक्स्ड लैंडिंग गियर की बात करता हूँ तो क्योंकि वो कंटिन्यूसली जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी वो एयर के कांटेक्ट में रहेगा, मतलब स्ट्रीमलाइन पैटर्न को डेविएट करेगा, तो फ्लो उस पर कंटिन्यूसली पड़ता रहेगा। बिकॉज उस पर फ्लो कंटिन्यूसली आ रहा है तो देयर माइट सम चांसेस कि उसमें पैरासाइट ड्रैग इंक्रीज हो जाए। वो पैरासाइट ड्रैग इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि पैरासाइट ड्रैग का एक कारण रहता है कि वो नॉन लिफ्टिंग पार्ट की वजह से होता है या फिर दो कंपोनेंट के जॉइनिंग की वजह से। अब पैरासाइट ड्रैग हाई स्पीड पर तो बढ़ जाएगा, तो अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या चाहिए? इसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक मैकेनिज्म यूज़ करेंगे जो इसको रिट्रैक्ट और स्टो कर पाए लैंडिंग गियर। अब अगर हमने मैकेनिज्म यूज़ कर लिया तो वेट इंक्रीज हो जाएगा। तब स्लो एयरक्राफ्ट में अगर मैं बात करूँ, द पेनल्टी ऑफ एडेड वेट इज नॉट ओवरकम बाय रिडक्शन ऑफ ड्रैग, सो फिक्स्ड गियर इज यूज। बट जैसे स्पीड इंक्रीज होगी, ड्रैग कॉज बाय लैंडिंग गियर बिकम्स ग्रेटर। ड्रैग जो लैंडिंग गियर की वजह से होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और तब हमें एनी हाउ ज़रूरत पड़ेगी कि लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट हो जाए और एक पोजीशन पर सेट हो जाए। मतलब उस समय वेट फैक्टर मैटर नहीं करेगा क्योंकि हमें ड्रैग को एलिमिनेट करना है। तो इसको आउट करने के लिए, इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक आइडिया लिया कि लैंडिंग गियर को हमने एरोडायनेमिकली बनाना शुरू। एरोडायनेमिकली बनाने का मतलब है यहाँ पर व्हील पैंट्स और फेयरिंग हमने यूज़ किए। जैसा कि मैंने डायग्राम में, इस डायग्राम में ये व्हील फेयरिंग्स और पैंट्स ये दिखाया हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया। इससे क्या हुआ, ड्रैग रिड्यूस होने लगा। और अब जो मैंने बताया फेयरिंग्स हम यूज़ कर रहे हैं तो फेयरिंग्स है उसमें वियरिंग वियर प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि दो पार्ट्स हैं। तो फेयरिंग में जो वियर प्रॉब्लम आई उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने ये चेफिंग स्ट्रिप, मैंने जो पॉइंट लिखा है चेफिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल किया। चेफिंग स्ट्रिप जनरली क्या है, एक लाइट पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है जो कि प्रिवेंट करता है एक्सेसिव वियर बिटवीन सेक्शन ऑफ फेयरिंग्स बिकॉज देयर इज़ यूजुअली सम मोशन बिटवीन दी सेक्शन। ये हुआ हमारा फिक्स्ड लैंडिंग गियर का कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको समझा पाया। अभी हमारा जो नॉन रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर है मे हैव ब्रेसिंग और इट मे बी ऑफ कैंटिलीवर टाइप विदाउट एनी एडिशनल ब्रेसिंग। ब्रेसिंग यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर मेंबर या फिर बीम जो कि स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। अभी रिट्रैक्टेबल के बारे में क्या कहें, रिट्रैक्टेबल में कोई पैरासाइट ड्रैग का प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि लैंडिंग गियर पहले रिट्रैक्ट होता है और वापस से स्टो हो जाता है। तो जब एक बार व्हील वेल एरिया जहाँ पर व्हील वेल, अगर व्हील और वेल मतलब कुआं इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो व्हील वापस से रिट्रैक्ट हो जाता है तो गियर जो अब स्लिप स्ट्रीम में नहीं है तो इस वजह से पैरासाइट ड्रैग नहीं होगा। पहले लैंडिंग गियर मान लीजिए नीचे हैं पूरे डाउन पोजीशन में एंड आफ्टर दैट इट विल गेट रिट्रैक्ट एंड स्टो इन टू सम पर्टिकुलर वेल, तो वंस इन दीज व्हील वेल गियर आर आउट ऑफ स्लिप स्ट्रीम एंड डू नॉट कॉज पैरासाइट ड्रैग, तो देयर वोंट बी एनी पैरासाइट ड्रैग प्रॉब्लम इन केस ऑफ रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर। So this and all related to retractable and non-retractable landing gear, और I hope कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा। Thank you। अगले टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि what and all the component of landing gears। So बने रहिए दोस्तों साथ। Thank you।